मानव विकास संगठन हरियाणा चैनल की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो है टाइगर इन द जू मैट्रिक क्लास की पोएम्स जो है टाइगर इन द जू के बारे में आपको बताएंगे। ये टाइगर इन द जू हैज बीन रिटन बाई लेस्ली नेरिस के द्वारा लिखी गई है। ये टाइगर इन द जू हैज बीन रिटन बाई लेस्ली LESLIE नेरिस NRRIS के द्वारा लिखी गई है। ही हैज रिटन मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी कविताएं लिखी हैं। ही हैज रिटन मैनी पोएम्स, इट इज एन इम्पोर्टेंट पोएम, यह एक प्रसिद्ध कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट ए टाइगर इन द जू, इस कविता में कवि हमें चिड़ियाघर के बीच एक टाइगर के बारे में बताता है जो चिड़ियाघर में है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इन द जू, और यह अलग है, डिफरेंट है फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट इन द जू, जो चिड़ियाघर में जो शेर रहता है वह बहुत डिफरेंट है। नेचुरल हैबिटेट जो उसकी स्वाभाविक आदत है उससे वह बहुत अलग है। ही इज एंग्री, वह बहुत गुस्से में है। बट ही इज हेल्पलेस, परंतु वह बहुत हेल्पलेस है, वह कुछ नहीं कर सकता, असहाय है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, वह अपनी आज़ादी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम। ही कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द जू, वह जू से बाहर नहीं जा सकता, चिड़ियाघर से। द पोएट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर, कवि जो है उस शेर के प्रति अपनी दया रखता है। मूड टू पिटी फॉर द टाइगर, सी सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, वह कहता है कि इस टाइगर को शुड हैव बीन इन द जंगल, जंगल में होना चाहिए। ही कैन नॉट हंट ए टाइगर फॉर हिज फूड, वह अपने भोजन के लिए जो है एक हिरण का शिकार नहीं कर सकता। सो द पोएट सेज दैट द टाइगर शुड नॉट कीप इन जू, इसलिए कवि कहता है कि एक टाइगर को शुड नॉट कीप इन जू, चिड़ियाघर में नहीं रखा जाना चाहिए। तो ए टाइगर इन द जू पोएम है। इन द जू हैज बीन रिटन बाय लेस्ली नेरिस के द्वारा लिखी गई कविता है। ही हैज रिटन मैनी पोएम्स, उसने बहुत सी कविताएं लिखी है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पोएम, यह एक प्रसिद्ध कविता है। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस, इस कविता में कवि कहता है अबाउट ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर के एक शेर के बारे में हमें बताता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम हिज नेचुरल हैबिटेट इन द जू, वह चिड़ियाघर में अपनी स्वाभाविक आदत से बिल्कुल अलग है। ही इज एंग्री, वह गुस्से में है। बट ही इज हेल्पलेस, परंतु वह असहाय है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिज फ्रीडम, वह अपनी आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द जू, वह जू से बाहर नहीं आ सकता, चिड़ियाघर से। द पोएट इज मूव टू पिटी फॉर द टाइगर, कवि जो है शेर के प्रति दया दृष्टि रखता है। सी सीज, कवित्री कहती है सी दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन द जंगल, की टाइगर को तो जंगल में होना चाहिए क्योंकि उसका जो असली स्थान है वह जंगल है। ही कैन नॉट हंट ए डियर फॉर हिज फूड, वह अपने भोजन के लिए किसी हिरण का शिकार नहीं कर सकता क्योंकि जो चिड़ियाघर में वह हेल्पलेस है। सो द पोएट सेज दैट ए टाइगर शुड नॉट कीप इन द जू, इसलिए कवि कहता है कि चिड़ियाघर में एक शेर को नहीं रखा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पोएम्स आपने याद करनी है और इस पे नोटबुक पे अपने लिखनी है। ये सुनी टाइप क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ए टाइगर इन द जू। तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। मानव विकास संगठन हरियाणा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट पोएम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय।